काफी खूबसूरत लग रहा है, तो इस जगह पर क्या राय है? सबसे पहले तो आपको थैंक यू बोलूंगी कि आपने आपको अच्छा लगा, और अच्छा लग रहा है मुझे भी, एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है। काफी ब्राइट कलर्स यूज किया है, एकदम शॉकिंग ब्लू और शॉकिंग पिंक का कॉम्बिनेशन हमेशा ही अच्छा लगता है। और इतनी अच्छी ज्वेलरी, कुंदन वर्क वाली ज्वेलरी, कितनी सारी बैंगल्स, मैचिंग 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 कुंदन की इयर रिंग्स और कुंदन का मांगटीका, इट्स ऑल वेरी ब्यूटिफुल। सबसे डिफिकल्ट है ये सर पे, ये जो मैंने लगाया है, और दिया जल रहा है, एक लकड़ी का कुछ है, तो बैठ के तो बहुत उतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा था, लग रहा था मैनेज कर लूंगी, लेकिन डांस के टाइम लग रहा था मेरा सर अलग से बहुत ज्यादा, मतलब मेरा नहीं है, संभाल के रखना पड़ेगा। और थोड़ा सा सर हिलाया तो इधर उधर से सब गिर रहा था, तो एकदम स्टैचू बन के डांस किया, पर नाइस, मतलब जब सब लोग ने तारीफ किया तो बहुत अच्छा लगा कि एक्चुअली अच्छा लग रहा है, इतना मेहनत तो इज वर्थ इट। तो इस ज्वेलरी के बारे में जो काफी काफी अच्छे लग रहे हैं, तो मतलब कैसे है? मतलब मन में आए कि काफी अच्छा लगेगा और काफी अच्छे आपके लग रहे हैं, पता नहीं। ज्वेलरी तो देखिए सब टीवी ने दिया है, और आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि इतना खूबसूरत ज्वेलरी वो लोग लेकर आए हैं, और आई एम वेरी हैप्पी। मतलब पर्सनली मुझे ऐसे कुंदन वर्क ज्वेलरी बहुत पसंद है, तो इसीलिए जब मैंने देखा, मैंने पूछा कि ज्वेलरी क्या है, और देखा कुंदन वर्क, आई वॉज रियली हैप्पी। मैं पहनने के लिए बहुत उत्सुक थी, जैसे मैंने पहन लिया, आई मीन अभी भी और मेरा और एक एक्ट बाकी है, और मैं यही पहन के दूसरा एक्ट भी करूँगी, थोड़ा हेयर स्टाइल बदल जाएगा, तो आई एम वेरी हैप्पी। आई मीन आई एम अभी लोगों ने बहुत तारीफ की इस लुक का, तो नेक्स्ट लुक में भी आई एम श्योर कि लोगों को अच्छा लगेगा। तो इस दिए की क्या विशेषता है? दिया मतलब काफी अच्छा लग रहा है आपके सर पे। दिवाली और दिए के बिना तो पॉसिबल नहीं है, और इस बार दिए लोग दियों से घर सजाते हैं, दियों से स्टेज सजाते हैं, मैक्सिमम हाथ में ले लेते हैं। मैंने तो इस बार मेरा मतलब ये जूड़े में दिया बना लिया, दिया दिए से मैंने जूड़ा बनाया, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है कि ऐसा चीज़ पहले अटेम्प्ट नहीं किया गया है, जो मैंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया, एंड आई एम श्योर कि लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो दिया डांस करते समय दिए से कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ ऐसा कठिनाई के सामना करना पड़ा? नहीं, थोड़ा बहुत हो रहा था, बहुत हैवी लग रहा था सर, और मतलब काफ़ी संभाल के करना पड़ रहा था, नहीं तो लग रहा था कि जैसे गिर जाएगा, अभी गिर जाएगा, तो गिराना भी नहीं था, उसको संभाल के पूरा एक्ट निकालना था, तो थोड़ा डिफिकल्ट था, पर जब स्टेज से उतरी और लोगों ने अच्छा बोला तो लगा कि इट वॉज वर्थ इट। हमने बहुत सारे एक्ट देखे हैं, लेकिन इस दिए गए हमने पहली बार देखा है और काफी अच्छा लग रहा है। तो मतलब क्या कितने दिनों से तैयारी चल रही थी? एक्चुअली इसका बहुत दिनों से नहीं था, दो बारी मैंने रिहर्सल किया, तो यहाँ पे आके एक दो बार रिहर्सल करके हो गया, तो इतना डिफिकल्ट नहीं था, एक्ट उतना डिफिकल्ट नहीं था, पर ये दिए के साथ मतलब जूड़े में दिया लेके डांस करना थोड़ा डिफिकल्ट था, और इसकी तो बिल्कुल भी मतलब रिहर्सल पे भी नहीं हुआ था, तो सीधा स्टेज पे आप समझिए कि एकदम स्टेज पे मैं ऐसे जूड़े में दिया लेके खड़ी हो गई, तो पहले बहुत ऑकवर्ड ही लग रहा था कि कैसी लग रही हूँ, तो जब लोगों ने बोला कि अच्छा लग रहा है, तो बाकी चीज़ मेरे ऊपर था कि मैं इसको कितना ईजी दिखा सकूँ, मुझे लगता है कि देख के इजी लग रहा होगा, पर काफी डिफिकल्ट था। इस दिवाली में क्या कुछ खास कर रहे हैं? दिवाली में खास यही होता है कि इस दिवाली नहीं, हर दिवाली में मैं घर में लक्ष्मी पूजा करती हूँ, हर दिवाली में घर को अच्छे से सजाती हूँ दियों के साथ, हमारे वहाँ काली पूजा भी होता है, तो काली पूजा भी बहुत अच्छे से हम लोग करते हैं, और पटाखे फोड़ते हैं, और काफी इंजॉय करते हैं, दोस्तों के साथ मिलते हैं, घूमने जाते हैं, खूब सारी मिठाइयाँ खाते हैं, और ऐसे इंजॉय करते हैं। और जिनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे दिवाली के शुभ अवसर पर? दिवाली के शुभ अवसर पर दिबीना सभी दर्शकों को हैप्पी दिवाली कहना चाहती है, और बोलती है कि प्लीज, दिबीना की तरफ से सभी दर्शकों को हैप्पी दिवाली, प्लीज हैव अ सेफ दिवाली, हैव अ वंडरफुल दिवाली, और पटाखे फोड़िए, थोड़ा कम कम फोड़िए, और खूब सारी मिठाइयाँ खाइए, मिठाइयाँ बांटिए, और इंजॉय कीजिए। थैंक यू। आप लगाइए ना, लगाना नहीं है, निकालना है। बात तो निकालिए। गहना मत निकालो, यही सब है, बाल मत निकालो।
पहले दिया ऑफ कर दो। तो ऑफ ही है ना, तो ऑफ हो गई है। नहीं नहीं ये ऑन है। चलो